अरे बच्चों, आज की इस क्लास में हम साइंस चैप्टर 10, जिसका टाइटल है वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग पेजेस पे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो अगर आपने मेरी जो वीडियोस हैं इस चैप्टर पर जो मैंने बनाई हैं, 3 वीडियो मैंने बनाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार आप देख लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 115 है, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट अस टेक दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। तो इतना जो लंबा क्वेश्चन निकला है उसमें सिंपली बेसिकली आपको ये बताया गया है कि वर्क इसमें कितना हुआ वो आपने कैलकुलेट करना है। उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो फोर्स है इन द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी इधर है, इसका मतलब है कि वर्क की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। तो वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका जो यूनिट होता है जूल्स में होता है। तो आपको फोर्स बताई गई है यहाँ पे 7 न्यूटन, डिस्टेंस बताया गया है 8 मीटर, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने जूल्स इसमें वर्क हुआ है। और चूंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको हमने पॉजिटिव रखा है, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो उसको नेगेटिव करते, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 15 का क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 116। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम क्या कैसे कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में कि वर्क हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 116 पे। तो 2 एलिमेंट होते हैं अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कह रहे हैं कि वर्क हुआ है। एक है फोर्स मस्ट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 7 न्यूटन फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था 8 मीटर्स, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव इन द सेंस दोनों वैल्यूज होनी चाहिए, कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वर्क हुआ है। तो इसको आप खुद अब अपने भाषा में लिखिए, दोनों चीज़ें आपने बतानी है कि इन दोनों कंडीशन में वर्क परफॉर्म होता है, व्हेन वी टॉक इन द साइंटिफिक और इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, वेरी सिंपल। एक्सप्रेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, W इज इक्वल टू F इनटू S, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैस लिखते हैं। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, वन जूल ऑफ वर्क होता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, जब 1 न्यूटन फोर्स लगता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 1 मीटर मूव करता है। एक ऑब्जेक्ट है, इस एक पर हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन एंड इट मूव्स 1 मीटर, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर।
इसको आप कहीं भी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आपने बेसिकली ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट इसका मास का रेलेवेंस नहीं है, इसका मास कितना है वो रेलेवेंट नहीं है, छोटा है बड़ा है वो रेलेवेंट नहीं है। हमने सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगानी है और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 1 मीटर। इतना सारा भी ऑब्जेक्ट होगा, इसको यहाँ पे यहाँ ले गए, 1 मीटर है, 1 न्यूटन फोर्स लगी है, 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन। सो व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 1 यूनिट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन। जनरली जब भी हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं वो सारा 1 1 1 में ही होता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ए पेयर ऑफ बुलक एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ 149 न्यूटन। एक किसान हल चला रहा है, 2 बैल उसको खींच रहे हैं, दोनों बैल उसके ऊपर लगाते हैं फोर्स 140 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग। जिस खेत में वो हल चला रहा है वो 15 मीटर लंबा है, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना वर्क हुआ। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ मूव हो रही है, हल मूव हो रहा है, जो उसका प्लाव है वो यहाँ से 15 मीटर दूर जा रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कैसे हो रही है, बैल उसको खींच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा भाई कितना वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया 2 पेज पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं 119 पे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चन को समझने में और इनको सॉल्व करने में। ये आ गया 119। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपसे बताया था, ये पेज नंबर 119 है, शॉर्ट में हम KE लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में उसकी मूवमेंट के कारण होती है। जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, खड़ा है, स्थिर है, उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मूवमेंट। मूव कर रहा है इसलिए उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो आपने सिंपली ये बताना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यू टू इट्स मूवमेंट और ड्यू टू इट्स मोशन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप। और इसका अगले क्वेश्चन में आपने इसका फॉर्मूला देना है, 1 into mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका कुछ मास होगा, मूवमेंट मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो जिस पॉइंट पर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका स्क्वायर, उसको मास से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना है, आंसर होगा इसका जूल्स में। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा, 119 पे। किनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 m/s इज 25 जूल। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा करके आपको समझा भी देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, उसकी वेलोसिटी है 5 m/s, उसमें किनेटिक एनर्जी है
25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? तो अभी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो पूछ रहा है जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अभी इसके इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड है कि हम पहले कैलकुलेट करें कि इसका मास क्या है, हमारे को मास नहीं बताया गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². तो कैनेटिक एनर्जी है 25 जूल, 1/2 मास हमें मालूम नहीं है, वेलोसिटी है 5 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 1/2 × m × 25, ये हो गया 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 50/25 इज इक्वल टू m, m इज 2 kg, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, 2 से 25 से डिवाइड कर दिया। अब इसका मास हमें मालूम हो गया, तो हम यहां पे उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर होगी, 1/2 × 2 × 10² 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये 2 कट गया 100, तो उसकी 100 जूल्स हो गई एनर्जी जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर हुई है। जब 5 मीटर थी पर सेकंड थी, तो उसकी वेलोसिटी, इसकी एनर्जी थी 25 जूल। अभी आप देखिए, थोड़ा आपको समझाता हूँ, ये 2500 कितना होता है, 4 times, 25 × 4 = 100, तो एनर्जी 4 गुना हो गई, जबकि वेलोसिटी क्या बढ़ी है, 2 गुना, वेलोसिटी डबल हुई है, एनर्जी हो गई है 4 times। क्यों एनर्जी 4 times हुई है, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला में वी स्क्वायर है। अगर वेलोसिटी डबल होगी तो एनर्जी हो जाएगी 4 times, वेलोसिटी होगी 3 times तो एनर्जी हो जाएगी 9 times, क्योंकि वी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का होता है 4, 3 स्क्वायर का होता है 9। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं और डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा पूरा कैलकुलेट करके बताएं कि उसकी एनर्जी 100 जूल्स होगी व्हेन द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम आ जाते हैं इसके लास्ट जो पेज 123 पे क्वेश्चन है, ये है 123। तो पहला क्वेश्चन है इसका पेज नंबर 123 पे, व्हाट इज पावर। तो मैंने आपको बताया पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। और कई बार हम वर्ड कंज्यूम भी लिख देते हैं, कंज्यूम तो होती नहीं है, मतलब फिनिश तो होती नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, दोनों में से एक वर्ड आप लिख सकते हैं। डिफाइन 1 watt, तो जैसे हमने 1 joule को डिफाइन किया था, ऐसे ही 1 watt को करना है, आप खुद करिए। 1 watt होता है, अगर 1 joule वर्क होगा इन 1 second, या 1 joule एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इन 1 second, इसकी डेफिनेशन आप खुद बनाइए, मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, बुक में भी दी है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एवरेज पावर। तो एवरेज हमने बताया था आपको, टोटल वर्क
डन, टोटल टाइम या टोटल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड, टोटल टाइम, दिस इज एवरेज पावर। इसको आप जो है खुद लिखने का प्रयास करिए कि इसको अब लिखेंगे कैसे, बुक में दिया हुआ है और मैंने भी आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया था। तो इस प्रकार हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो कर लिए। अब अगले वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक देर 22 क्वेश्चंस या 21 सॉरी ये 21 क्वेश्चंस हैं, इनको हम दो या तीन वीडियो बना के समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और कुछ आपको सिर्फ समझाऊंगा कि कैसे आपने सॉल्व करने हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।